मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं आलोक सिंह, फिजिकल और योगा ट्रेनर, मदर इंटरनेशनल एकेडमी, फुलवारी शरीफ, FCI रोड, पटना। लॉकडाउन के चलते सभी लोग अपने घर पे हैं और लगभग लगभग सभी लोग पीठ के दर्द और गर्दन के दर्द से परेशान भी होंगे। लेटे लेटे, बैठे बैठे, टीवी देखते, मोबाइल देखते, सब लोगों को गर्दन के दर्द और पीठ के दर्द से प्रॉब्लम होगी। तो गर्दन के दर्द और पीठ के दर्द से अपने आप को बचाने के लिए एक एक्सरसाइज हम बताएंगे आज को। उस एक्सरसाइज को ध्यान से देखना है और आराम से करना है। किसी भी एक्सरसाइज में कोई जल्दबाजी नहीं करना है और ना ही झटके के साथ कोई एक्सरसाइज करना है जिससे कि आपको कोई चोट लगे। ध्यान से एक्सरसाइज देखिए। सबसे पहले शोल्डर रोटेशन करेंगे। शोल्डर रोटेशन में हर राउंड पे आपका एल्बो आपस में टच होना चाहिए। दोनों हाथ को कंधे पर रखेंगे और एल्बो को टच कराएंगे। सेम पोजीशन बैक साइड करेंगे। इस एक्सरसाइज को जल्दी जल्दी नहीं करना है। जितना आराम से आप करेंगे आपकी मसल्स में पेन में उतना ही ज्यादा आपको आराम मिलेगा। इसके बाद दूसरा स्टेप में हम दोनों हाथों को इस तरीके से आपस में पकड़ेंगे और सर के ऊपर लेके जाएंगे। पैरों पे थोड़ा सा गैप करेंगे और इस तरीके से टर्न करेंगे बॉडी को। ये दोनों एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे पीठ के दर्द, गर्दन के दर्द ये सब दूर होगा और मसल्स काफी मजबूत होगी। ये जो शोल्डर एक्सरसाइज थी इससे आपको एक बेनिफिट और मिलेगा कि आपकी बांह मजबूत होगी, ये मसल्स सब मजबूत होगी, हाथ की कैपेसिटी और पावर बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा फायदा इस एक्सरसाइज का सर्वाइकल प्रॉब्लम पे होता है। अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम है किसी को तो इस एक्सरसाइज से सर्वाइकल प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, दोनों हाथों को पीछे से लॉक करना। सेम पोजीशन, ऊपर वाला हाथ नीचे जाएगा, नीचे वाला हाथ ऊपर जाएगा और फिर से लॉक करेंगे। अगर किसी का हाथ आपस में लॉक हो जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं लॉक होता है तो जहां तक हाथ जाता है वहीं पे आपको 10 सेकंड होल्ड करना है और 10 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे 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 आप उसको वापस अपनी स्थिति पे ले आइए। 40 साल के बाद अक्सर होता है कि कंधे जाम होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ये लॉक एक्सरसाइज करेंगे हाथों की तो आपको कंधे जाम होने वाली बीमारी या समस्या का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। बच्चों में ज्यादातर लॉक हो जाता है हाथ, लेकिन जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है उनके कंधे जाम हो चुके होते हैं तो उनका हाथ यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे आराम आराम से करना है। जहां तक आप जा सकते हैं हाथ को लेकर वहां तक आपको जाना है। थैंक यू।